है एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति कुमारी। T20 वर्ल्ड कप पाक लेगा न्यूजीलैंड से बदला एंड मौके पर पाकिस्तान दौरे से हट गए थे कीवी। पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराकर अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की है। अब दूसरे मैच में वह मंगलवार को शारजाह में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। उसका इरादा बदला चुकता करने का होगा क्योंकि न्यूजीलैंड हाल ही में पाकिस्तान दौरे से ऐन मौके पर पीछे हट गई थी। पाकिस्तानी टीम T20 विश्व कप के अपने दूसरे मैच में मंगलवार को शारजाह में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। उसका इरादा बदला चुकता करने का होगा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हाल ही में पाकिस्तान दौरे से ऐन मौके पर पीछे हट गई थी। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराकर अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की है। पाकिस्तान के कई प्रशंसकों के लिए तो 29 साल बाद विश्व कप में भारत के खिलाफ मिले इस जीत से ही मानो टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया हो। T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 2007 और 2016 की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 3 बार शिकस्त दी है जबकि 2 में न्यूजीलैंड को जीत मिली। बाबर ने टीम से कहा, हम विश्व कप जीतने आए हैं। बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम कह चुकी है कि यह शुरुआती भर है। आजम ने भारत को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों से कहा, हम यहाँ सिर्फ भारत को हराने नहीं आए हैं, हम विश्व कप जीतने आए हैं। और यह भूलना नहीं है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तानों ने भी टीम को जश्न के खुमार में नहीं डूबने की ताकीद की है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कई मैच जीतने होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का फूटा गुस्सा। न्यूजीलैंड टीम हाल ही में पाकिस्तान पहुंचने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खेलने से मुकर गई थी। इससे विश्व कप की पाकिस्तान की तैयारियों को काफ़ी बड़ा झटका लगा और बाद में इंग्लैंड ने भी दौरा रद्द कर दिया था। आजम ने इसके बाद दोनों टीमों की आलोचना करते हुए कहा था, पाकिस्तान हमेशा खेल के हित में काम करने की कोशिश करता है लेकिन बाकी टीमें नहीं। अब इस मैच को पाकिस्तान क्रिकेट हलकों में बदले के मैच के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव, इस्तीफों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके सभी को चौंका दिया। आजम और मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी के जौहर दिखाए जिससे फकर जमा, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक जैसे सीनियर बल्लेबाजों को खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने बड़ा चैलेंज, गेंदबाजी में भी उनके पास काफ़ी विकल्प है। भारत के खिलाफ उनके पास 7 गेंदबाज थे और मलिक उनमें शामिल नहीं थे। इमाद वसीम, शादाब खान और हफीज ने स्पिन का मोर्चा बखूबी संभाला। नई गेंद से शाहीन शाह आफरीदी ने कहर बरपाया। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उनके खतरनाक इनस्विंग यॉर्कर की काट ढूंढनी होगी। देत ओवरों में हारिस रऊफ काफ़ी उपयोगी साबित हुए। दूसरी ओर न्यूजीलैंड टीम को विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अभ्यास मैचों से हराया। कप्तान केन विलियमसन की फिटनेस भी चिंता का सबब बनी हुई है जो कोहनी में दर्द से जूझ रहे हैं। न्यूजीलैंड के पास शानदार गेंदबाजी आक्रमण है लेकिन बल्लेबाजों को भी रन बनाने होंगे। टीमें इस प्रकार हैं। न्यूजीलैंड, केन विलियमसन कप्तान, टॉड एस्टर, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कोवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जेमिसन, डेरिल मिशेल, जिमी निशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल स्टेनर, टीम साउदी। पाकिस्तान, बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, फकर जमा, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद वसीम, सोहेब मकसूद। आगे की न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया।